एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूएमबी न्यूज में। अभी की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। वहीं सोमवार को राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के अंदर दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, देवबंद, अमरोहा, रोहतक, गोहाना, गन्नौर के अलग अलग स्थानों पर आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने रविवार को कहा कि बंगाल और सिक्किम के उप हिमालय क्षेत्र में 11-12 अगस्त को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मॉनसून की निम्न वायुदाब की पट्टी पर्वतों की ओर बढ़ रही है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मॉनसून के निम्न वायुदाब की पट्टी हिमालय के पर्वतों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश कम होगी और पहाड़ों पर वर्षा अधिक होगी। अगले 5 दिन में पूर्वोत्तर और बंगाल तथा सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान। उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में मॉनसून की निम्न वायुदाब की पूरी पट्टी हिमालय की ओर स्थानांतरित हो सकती है। इन प्रणालियों के प्रभाव से अगले 5 दिन में पूर्वोत्तर और बंगाल तथा सिक्किम के उप हिमालय क्षेत्र में बारिश की व्यापक गतिविधियां हो सकती है। इसके चलते कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण हवाओं के कारण 11 अगस्त से इन इलाकों में बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। महापात्रा ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों, बिहार, झारखंड और बंगाल के गंगा क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर है। बदायूं के कचला ब्रिज, बलिया, गाजीपुर में गंगा नदी, इटावा, औरैया, जालौन, बांदा में यमुना, बांदा, हमीरपुर में पेदवा, पलिया कलां, खीरी में शारदा नदी, चंद्रदीप घाट, गोंडा में कुआनो नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। प्रदेश में अब तक बांध से 357 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें आगरा में 20, औरैया में 24, बहराइच में 2, बलिया में 4, बांदा में 4, चंदौली में 3, इटावा में सर्वाधिक 67, फरुखाबाद में 24, गोरखपुर में 7, हमीरपुर में 62, जालौन में 67, कानपुर देहात में 24, कौशाम्बी में 6, कानपुर नगर में 2, खीरी में 7, प्रयागराज व मऊ में 4-4 और शाहजहांपुर में 3, वाराणसी में 15 गांव शामिल है। इस बाढ़ से अब तक कुल 536 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए कुल 828 शरणालय बनाए गए हैं। बीते 24 घंटों में 1230 राशन किट और 7451 लंच पैकेट इन बाढ़ पीड़ितों में वितरित किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 12 जिलों में 120% से अधिक, 35 जिलों में सामान्य यानी 80 से 120% और 15 जिलों में सामान्य से कम यानी 60 से 80% और 13 जिलों में सबसे कम यानी 60% से कम बारिश हुई है। और अभी की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। देखते रहे यूएमबी न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।